बंद पड़े स्कूलों के संचालन के लिए प्रदर्शन। यूपी के बुलंदशहर में पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति के सभी शिक्षकों ने इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम व जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वेलफेयर समिति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र ठाकुर ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण एक वर्ष से स्कूल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से अध्यापक तथा बच्चों के सामने परेशानियां आ रही हैं। ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति से कमजोर अभिभावकों को सबसे ज्यादा परेशानी। 95% अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं, अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करवाने में उनका कहना है कि नियमों का पालन करते हुए स्कूल के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए। इन्हीं समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। सर परेशान पड़े हैं घर पे, कोविड का मैं देख रहा हूँ कैसे परेशान, तो ये कोविड के लिए कैसे सटे हुए आप देख लीजिए, पहले आप ही देख लीजिए कैसे पड़े। नहीं आप खड़े हैं ना, देख सकते हैं एक बार पूछना चाहेंगे सारे कोविड है और कहीं कोविड नहीं है, सारे काम हो रहे हैं, सारे वगैरह सब चल रहे हैं। सर हम लोग इतने कमजोर है कि सारा दबाव पांच का, सर दबाव हम बहुत कमजोर है, अरे सर पांच हम सब जाएंगे, पहले ज्ञापन कर सकते क्या सर, वो हमारे ज्ञापन का पहले वाले का पांच का डेलीगेशन चला रहा है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र ठाकुर, जिलाध्यक्ष पब्लिक स्कूल वेलफेयर समिति बुलंदशहर। आज आप कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मांग है आपकी? मांग स्कूलों को खुलवाने की है, जो एक साल से अधिक कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद हुए हैं और स्कूल संचालकों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत ज्यादा असर है और हमारी मांग सरकार से जल्द से जल्द स्कूलों को खोलने के लिए, और स्कूलों को जो आर्थिक स्थिति दयनीय हुई है कुछ स्कूल संचालकों को आर्थिक सहायता देने के लिए मांग है। और हमारी 600 ज्ञापन हम डीएम साहब को दे रहे हैं, उसमें हमारी 600 मांग है, वो सरकार से मांग कर रहे हैं।